सर, आप लोगों का कार्यक्रम हमेशा जल संरक्षण को लेकर, चाहे वो गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, के तट पे हमेशा कार्यरत रहते हैं। किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे आगामी छात्र छात्राओं को? बहुत धन्यवाद आपका विजय जी। मैं पिछले 15 सालों से 2008 से लगातार माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर के अपना काम कर रहा हूँ और अपना योगदान जिस भी तरीके से हो सकता मैं दे रहा हूँ। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय गंगा मंत्रालय का अलग से गठन किया जाता है, एक अलग मंत्रालय बना दिया जाता है माँ गंगा को अविरल और निर्मल करने के लिए। जो सबसे बड़ी समस्या है नदियों की, नदियों के प्रदूषण की, वो विशेष रूप से माँ गंगा की, तो उसमें जल का प्रवाह ना होना, जगह जगह डैम के माध्यम से, बांधों के माध्यम से जो जल डाइवर्ट कर दिया जाता है सिंचाई के लिए, पीने के लिए, और उत्तराखंड में कहूँ तो बांध बनाकर बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ढेर सारे लगा दिए गए हैं, जिसके कारण जो गंगा का जो मूल प्रवाह है वो बाधित होता है, जो अविरल प्रवाह है वो बाधित होता है, और गंगा की मूल धारा में 30% से अधिक जल नहीं बहता है। दुर्भाग्य से गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, जिसके कारण जो है शहरों का सीवेज का पानी, नालों का पानी नदियों में मिलता है, नदी में मिलता है, विशेष रूप से गंगा नदी में। इस कारण हमको लीन पीरियड में भी, मई जून के महीने में, अप्रैल मई के महीने में, आप देखते होंगे कि जो गंगा नदी एकदम सूखी सी नज़र आती हैं, उसमें 50% जो है नालों का और सीवर का पानी मिलता है, तब उसकी मात्रा थोड़ी दिखाई पड़ती है। मेरा बस इतना कहना है कि गंगा मैया को अगर अविरल और निर्मल बनाना है तो उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। STP लगा देने मात्र से, या घाट बना देने से, या साफ़ सफाई कर देने मात्र से गंगा ना अविरल होंगी ना निर्मल होंगी, निर्मल हो सकती हैं। और मेरे गुरुजी प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ला सर, जो लंबे समय तक माँ गंगा को लेकर के अपना अभियान चलाए, जो इस दुनिया में अब नहीं है, जिनके अंडर में मैंने PhD किया, उनका ये नारा था कि जब तक ना होंगी गंगा अविरल तब तक ना होंगी गंगा निर्मल। तो हम लोग जो निर्मलीकरण के लिए अभियान चलाते हैं, तो सबसे पहले हमको गंगा मैया को अविरल करना चाहिए, और गंगा मैया जब अविरल होंगी तो निर्मल अपने आप हो जाएंगी। कोई भी नदी अपने आप को स्वच्छ करना जानती है, वो नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वच्छ कर लेती हैं। और गंगा के साथ जो समस्या है कि इसके किनारे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और उन शहरों का दूषित जल, चाहे सीवर का हो चाहे नालों का है, वो कुछ तो ट्रीटेड और बहुत सारा अनट्रीटेड, चूँकि जो STP हमारे पास अभी है वो हमारे लोड के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में STP अभी कार्यरत नहीं है, इस कारण से अनट्रीटेड वाटर भी बड़ी मात्रा में माँ गंगा में मिलता है, और जिसके कारण जो प्रदूषण की ये समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या जो है वो औद्योगिक जो अपशिष्ट है वह भी है, और सबसे बड़ी बात जो चुनौती है देश के सामने, दुनिया के सामने, वाटर लेवल लगातार जो भूगर्भ जल है वो उसका लेवल नीचे चला जा रहा है, जिसके कारण जो है नदियाँ हमारी वो रिचार्ज नहीं हो पाती हैं। तो बहुत सारे इसको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा माँ गंगा को अविरल और निर्मल करने के लिए, केवल परियोजनाओं से, और ऐसे माँ गंगा ना तो अविरल हो सकती है ना ही निर्मल हो सकती हैं। बहुत सारे प्रयास करने होंगे तब जाके गंगा मैया अविरल और निर्मल होंगी। और एक बात मैं फिर अपने गुरुजी की दोहराते हुए कि यदि हम चाहें अविरल निर्मल बहती गंगा धारा हो, बच्चा बच्चा बने भगीरथ, हर हर गंगे नारा हो। और बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, स्टूडेंट एकेडमी की तरफ से आपने ये वीडियो आपने बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।